Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों यानी आज हम लोग कवर करेंगे हिंदी 50 मार्क्स के ब्रिलियंट मॉडल पेपर से एनसीईआरटी क्वेश्चन जो सेट नंबर 4 लेके आए हैं। अब तक मैंने सेट 3 अपलोड कर चुका हूं चैनल में, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में विजिट कीजिए, वहां जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप बारी बारी से देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने हुए रहें, अगर अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले दोस्त शुरू करता हूं यानी आज का पहला क्वेश्चन, रहीम का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है यानी 1550 ईस्वी में, दूसरा में सन 1556 ईस्वी में, और तीसरा में सन 1560 ईस्वी में, और चौथा में क्या दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1556 ईस्वी में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, रहीम का निधन कब हुआ था? रहीम का निधन कब हुआ था, बहुत ही वीवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन चीज पे इन क्वेश्चन को ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में सन 1638 ईस्वी में, दूसरा में 1664 ईस्वी में, तीसरा में क्या कह रहा है 1645 ईस्वी में, चौथा में इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर तीसरा, रहीम ने कैसे दोहे लिखे हैं? रहीम ने कैसे दोहे लिखे हैं? तो तीसरा का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा इसका, ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों लिखे हैं, भक्त परक लिखे हैं और नीति परक भी लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं गाइज, रहीम के दोहों की क्या विशेषता है? रहीम की दोहे की क्या विशेषता है? तो पहला यानी स्वानुभाव की छाप, दूसरा में क्या है वचन वक्रता, दूसरा तीसरा में क्या है दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो चार का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, रहीम को किन दो युगों की संधि स्थल के कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो पांच का जो आपका जो राइट जो आंसर हो गया, करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भक्ति काल और रीति काल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन में रहेंगे कि यानी रहीम किस काल की कवि है तो आपको वहाँ अगर भक्ति काल ऑप्शन में रहेंगे तो भक्ति काल देना है, अगर रीति काल रहेंगे तो रीति काल मानना है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इनमें से रहीम की कीर्ति है, इनमें से रहीम की कीर्ति है, तो रहीम रत्नावाली या नायका भेद या रहीम विलास या इनमें से सभी। तो 6 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 गाइज क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि रहीम रत्नावाली का प्रकाशन कब हुआ था? रहीम रत्नावाली का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो 7 का ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1928 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गए हम लोग, रहीम की कीर्ति नगर शोभा किस छंद में रचित है? तो 8 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोहा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रहीम काव्य का प्रमुख वर्ण्य विषय है? रहीम काव्य का प्रमुख वर्ण्य विषय है, तो 9 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि रहीम किस भाषा के ज्ञाता थे? तो रहीम जो थे वो किस भाषा के ज्ञाता थे? तो 10 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी घ हो जाएगा, वो अरबी यानी तुर्की, फारसी, संस्कृत, हिंदी सभी प्रकार के भाषा उसको आते थे, किसको यानी रहीम को, ठीक है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो 11 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1889 ईस्वी में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, रामनरेश त्रिपाठी का निधन कब हो गया? रामनरेश त्रिपाठी का निधन कब हुआ था? तो 12 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1962 ईस्वी में। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन में यानी गोरखपुर में दिया हुआ है, दूसरा में यानी वाराणसी के राजपुर में, तीसरा में यानी जौनपुर जिले के कोहिरी पुर ग्राम में, ठीक है, और चौथा में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जौनपुर जिला के कोहिरीपुर ग्राम में हुआ था, किसका जन्म, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, रामनरेश त्रिपाठी के कितने काव्य ग्रंथ प्रकाशित है? तो पहला ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, दूसरा में 4 दिया हुआ है, और तीसरा में क्या दिया 5 दिया हुआ है, और चौथा में इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी गौ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पांच, कितना है, पांच भागों में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पथिक कवि रामनरेश त्रिपाठी का किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है। पथिक कवि रामनरेश त्रिपाठी का किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है। तो पहला ऑप्शन में महाकाव्य है दिया हुआ है, दूसरा में खंड काव्य दिया हुआ है, चौथा में फुटकर कविताओं का संग्रहण, चौथा में इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। जीवन संदेश कविता के जीवन संदेश कविता रामनरेश त्रिपाठी के किस काव्य ग्रंथ के अंतर्गत है। तो पहला ऑप्शन में यानी पथिक दिया हुआ है, दूसरा में सोपन दिया हुआ है, तीसरा में मिलन दिया हुआ है, चौथा में कविता दिया हुआ है, और तीसरा में कविता कौमुदी दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पथिक। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। जीवन संदेश क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ जो कह रहा है यानी जीवन संदेश कविता पथिक काव्य के किस सर्ग का अंश है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो 17 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क में क्या है आपका, द्वितीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। जीवन संदेश कविता में किसके द्वारा किसको संदेश दिया गया, किसको संदेश दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका, देखिए यहाँ पहला ऑप्शन में अपनी पत्नी को पथिक द्वारा, दूसरा में मुनि क्या है मुनि द्वारा पथिक को, उसके चौथा में दिया हुआ है आपका पथिक द्वारा अन्य के प्रति, और इस चौथा में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी ख इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुनि द्वारा पथिक को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि के रूप में सर्वाधिक ख्यात है। तो पहला ऑप्शन में यानी प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से, दूसरा में हिंदी कोकिल कवि के नाम से, और चौथा में दोनों, तीसरा में दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 19 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है, यानी सुमित्रानंद पंत को ही जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट 19 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन वहाँ क्वेश्चन रहेंगे जो इस बार, मतलब अगले इससे पहले वाला ईयर में यानी क्वेश्चन पूछे गए थे जो, तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो उसमें आपका यानी कवि का नाम रहेंगे, सुमित्रानंद पंत रहेंगे, बहुत सारे यानी अलग अलग यानी कवि के नाम रहेंगे, तो आपको उसमें से चूज करना है। तो सुमित्रानंद पंत क्या है, कैसे कवि है, यानी वो प्रकृति के सुकुमार है, ठीक है। और हिंदी कोकिल कवि के नाम से किसे जाना जाता है, हिंदी कोकिला के नाम से किस कवि को नाम से जाना जाता है। तो आपको इसका जवाब यानी कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है, हिंदी कोकिल कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो अगर इसका आपको अगर आंसर मालूम है, तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठा उनके किस काव्य को प्रकाश यानी प्रकाश के पश्चात मिली है। तो पहला उच्छ्वास, दूसरा पल्लव, और तीसरा में क्या दिया हुआ है यानी दोनों, और इनमें चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सुमित्रा पंत छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठा उनके किस काव्य के प्रकाश के पश्चात मिली है। तो 20 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किस नाम यानी दोनों, ठीक है। तो उच्छ्वास और पल्लव दोनों यानी, तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर यानी क्या 21। ग्राम्य काव्य में पतंजलि की कौन सी चेतना अभिव्यक्त हुई है। तो पहला ऑप्शन में यानी प्रगतिशील है, दूसरा में यानी क्या दिया प्रयोगशील, तीसरा में दोनों, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रगतिशील, ठीक है। तो ये जो आप यानी 21 क्वेश्चन था, आप लोग मिले 21 क्वेश्चन लिखा है थे सेट नंबर चौथा में। फिर अगर आप लोग सेट नंबर 5 देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें यस लिखेंगे, अगर आप नहीं देखना चाहते तो नो लिखेंगे, ठीक है। हम ताकि दूसरे सब्जेक्ट का भी आपका इसी प्रकार के यानी सेट बाय सेट कवर करते रहेंगे एनसीईआरटी का ब्रिलियंट मॉडल पेपर से, ठीक है। तो मेरे पास ब्रिलियंट मॉडल पेपर का यानी सभी सब्जेक्ट का मैं इसी प्रकार से यानी कवर करना चाहता हूँ। अगर आप अगर तैयार हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो, ठीक है, हम ताकि हम दूसरा फिर सेट को हम कवर करेंगे, ठीक है।
चलेगा दोस्त। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्त एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि आपका फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा।